हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल के किन्नौर ट्राइब्स की शानी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, मैं और मेरे दोस्त ये शादी देख के चौंक गए थे, क्यों यह तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। नाको को एक्सप्लोर करके हम दोपहर को ही चांगो के लिए निकल गए थे। चांगो नाको से तकरीबन 22 किलोमीटर पर स्थित है। हम चांगो गांव में हमारे होटल पहुंच गए हैं। इस होटल के आगे स्पीति रिवर बह रही है, तो पीछे होटल का खेत है जहां सेब, धनिया, सब्जी, खुबानी जैसा और भी बहुत कुछ उगाया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग से ये जो भी फसल होती है उसी का प्रयोग होटल के खाने में किया जाता था। हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो होटल के केयरटेकर के साथ हम पीछे का खेत देखने चले गए। और हमें वहाँ ढेर सारी खुबानी और सेब का आनंद लिया और कुछ सब्जियाँ अपने साथ डिनर के लिए चुन ली। दरअसल चांगो सेब और खुबानी यानी एप्रिकॉट के लिए फेमस है। साथ ही चांगो चांगो गोम्पा में रहे अपने प्रार्थना चक्र के लिए भी प्रसिद्ध है। 500 साल पुराना यह चक्र याक के चमड़े से बना हुआ है। चांगो गाँव में एक शादी थी जिसे बड़ी शादी कहा जाता है, पर समस्या यह थी कि हमें शादी का इन्विटेशन नहीं था, इसलिए हम थोड़ा हिचकिचा रहे थे। पर मुझे शादी देखनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम दूर से शादी देखेंगे और वापस आ जाएंगे। हम प्लान के मुताबिक दूर से शादी का माहौल देख रहे थे, तभी वहाँ गांव के कल्चर ऑफिसर आए और यह शादी उन्हीं की फैमिली में हो रही थी। फिर उन्होंने हमें शादी में न सिर्फ इन्वाइट किया बल्कि हमें उस शादी में वीवीआईपी गेस्ट जैसे ट्रीट भी किया गया। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम अनजाने लोगों के बीच में हैं। यहाँ छांग यानी लोकल दारू और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ड्राई फ्रूट्स और चूरा जैसी एक के बाद एक डिश सर्व की जा रही थी। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। दरअसल में यह पार्टी थी जिसमें सवेरे तक खाना पीना और नाच गाना चलता रहा। अब शादी की बात करूँ तो यह किन्नौर ट्राइब्स की बड़ी शादी थी। यहाँ दुल्हन एक थी और दूल्हे दो। ये सुनकर पहले तो हम चौंक गए, क्योंकि ऐसी शादी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। साथ में हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। अब बात करते हैं यह बड़ी शादी क्या है और एक स्त्री दो पुरुष के साथ क्यों शादी कर रही है। तब हमें स्थानीय कल्चर ऑफिसर ने बताया कि हमारे ट्राइब्स में ऐसे ही शादी होती है। ये दोनों दूल्हे सगे भाई हैं और उन्होंने एक ही लड़की से शादी की है। ये दो भाई को यह लड़की पसंद आ गई थी, तो वह उसे भगा के ले गए थे। भागने में लड़की की मंजूरी भी होना जरूरी होता है। उसके बाद ये सब वापस आ गए और अपने गाँव वालों को पार्टी दे दी। ये हुई छोटी शादी। उनका 15 साल का बेटा भी है। ये लोग 16-17 साल के बाद बड़ी शादी कर रहे हैं। यह है कि बड़ी शादी के लिए दंपति को खुद ही पैसा जोड़ना रहता है, माता पिता नहीं देते, क्योंकि बड़ी शादी में खर्चा बहुत होता है। इसमें दो पूरे गांव और रिश्तेदार दावत में शामिल होते हैं। इवन दुल्हन को 15 से 20 किलो चांदी के जेवर तक चढ़ाए जाते हैं। जब दंपति इतना पैसा जोड़ लेते हैं तब वो बड़ी शादी रचाते हैं। एक सज्जन ने बीच में बोलते हुए कहा कि इतना सोना चांदी देने के लिए कोई फोर्स नहीं है, पर रिवाज है तो देते हैं। बड़ी शादी में दूल्हा बारात लेके दुल्हन के मायके जाता है। उस रात पूरा गांव वहां पार्टी करता है और दुल्हन लेके जब वापस आते हैं तब दूल्हे के गांव में दावत होती है जो सवेरे तक चलती है।
बहुपतित्व वाली शादी किन्नौर के इंटीरियर में होती है। ये प्रथा चांगो, सलखेर, लियो, नाको, पू और चंबा में है। बहुपतित्व प्रथा के बारे में मैंने पूछा तो स्थानिक ने बताया कि परिवार एक होके रहे और प्रॉपर्टी के बंटवारे भी न हो, इसलिए ऐसा करते हैं। वही दूसरे सज्जन ने कहा कि महाभारत में पांडव वनवास के दौरान किन्नौर में रुके थे, इसलिए द्रौपदी प्रथा को हम फॉलो कर रहे हैं। सच बताओ तो यह यूनिक शादी में हमें बहुत मजा आया। यहाँ 5-6 स्त्रियां दुल्हन जैसे ही तैयार हुई थी, मुझे उनका पहनावा भी बहुत पसंद आया। आपने पहले ऐसी कोई शादी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।